दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, ट्रैक पर हंगामे के बाद खान सर पर FIR, RRB NTPC अभ्यर्थियों को उकसाने का आरोप। पटना पुलिस ने 5 अन्य टीचरों और 16 स्टूडेंट को किया नामजद। जी हां, अपने अनोखे अंदाज से पढ़ाने को लेकर छात्रों के बीच चर्चित पटना वाले खान सर पर पुलिस ने कानूनी शिकंजा कस दिया है। उनके खिलाफ राजधानी के पत्रकार नगर थाना में नामजद केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने इसके साथ साथ कुल 6 टीचर और 16 छात्रों को इस केस में नामजद किया है। इन पर आरोप है कि खान सर समेत सभी नामजद टीचरों और अन्य कोचिंग संचालकों ने ही रेलवे अभ्यर्थियों को हंगामा और प्रदर्शन के लिए उकसाया था। मन माफिक रिजल्ट नहीं आने से खान सर समेत बाकी सभी टीचरों ने एक षड्यंत्र रचा है। इसमें सोशल मीडिया पर वायरल खान सर के वीडियो ने भी आग में घी डालने का काम किया है। वीडियो को देखकर छात्र भड़क गए हैं, इस कारण लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई है। आपको बता दें कि FIR में दावा किया गया है कि पकड़े गए छात्रों ने ही खान सर समेत सभी टीचरों के नाम लिए हैं। आपको बता दें कि जिन 6 टीचरों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है उसमें खान सर, SK झा सर, नवीन सर, अमरनाथ सर, गगन प्रताप सर, गोपाल वर्मा सर को नामजद किया गया है। दूसरी तरफ खान सर के सपोर्ट में पूर्व CM जीतनराम मांझी बोले, खान सर की गिरफ्तारी हुई तो युवा आंदोलन और भड़केगा, सरकार रोजगार पर बात करे। जी हां, पटना वाले खान सर पर FIR दर्ज होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बिहार की विपक्षी पार्टियों तो खान सर के साथ खड़ी ही है, साथ ही अब सत्ता पक्ष की ओर से हम पार्टी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी भी खड़े हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि संविधान में हिंसा और तोड़फोड़ का अधिकार किसी को नहीं है। वैसे अब वक्त आ गया है कि जब सरकार रोजगार के विषय में बात करे, नहीं तो हालात इससे भी भयानक उत्पन्न हो सकते हैं। NTPC उपद्रव के नाम पर खान सर सहित अनेक शिक्षकों पर किए गए मुकदमे इस अघोषित युवा आंदोलन को और भी ज्यादा भड़का सकता है। बड़ी खबर, प्रदर्शनकारी छात्रों पर बर्बरता के खिलाफ महागठबंधन करेगा बैठक। RJD के साथ कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां भी लेगी भाग, महागठबंधन आगे की रणनीति बनाएगा। जी हां, RJD की ओर से महागठबंधन की बैठक RJD कार्यालय में बुलाई गई है। इस बैठक में RJD के अलावा कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। आपको बता दें कि बैठक रेलवे अभ्यर्थियों के साथ हुई जाति के आरोप पर लाठीचार्ज को लेकर की जा रही है। बैठक के बाद महागठबंधन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, 28 जनवरी को बिहार बंद का ऐलान, छात्रों के समर्थन में छात्र संगठनों ने किया आह्वान। जी हां, छात्रों के समर्थन में अब छात्र संगठन सामने आए हैं। छात्र संगठनों ने आगामी 28 जनवरी को बिहार बंद का ऐलान किया है। छात्र संगठन ISA NOS ने बिहार बंद का आह्वान किया है। वहीं इससे पूर्व 26 जनवरी यानी आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा मार्च निकाले जाने का भी ऐलान किया है। RRB और NTPC के परीक्षा के रिजल्ट में धांधली के खिलाफ ISA व नौजवान संगठन इंकलाबी नौजवान सभा छात्र संगठन अब छात्रों के साथ खड़ा हो गया है। आंदोलनरत अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, मुकदमा व गिरफ्तारी के खिलाफ छात्र युवा आंदोलन के समर्थन में छात्र संगठनों ने आगामी 28 जनवरी को बिहार बंद का आह्वान किया है। बड़ी खबर, बिहार को 5 दिन तक कनकनी से राहत नहीं। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है पछवा हवा, 4 डिग्री तक गिर सकता है रात का पारा। जी हां, बिहार में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है पछवा हवा ने कनकनी के साथ ठंडा बढ़ा दी है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले रात के तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। इससे कनकनी के साथ ठंड का प्रभाव भी बढ़ जाएगा। इस दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों में 1 से 2 स्थानों पर हल्के से मिस्टर का कोहरा छाया रहेगा। अगली बड़ी खबर, पटना यूनिवर्सिटी में BEd कोर्स के लिए अब लगेंगे 25,000 रुपये, पहले 1,800 रुपये थी फीस। जी हां, पटना विश्वविद्यालय में कल सीनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पास किया गया। कल 525 करोड़ का बजट पास हुआ। सीनेट की बैठक में फीस बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। जी हां, पटना यूनिवर्सिटी में अब BEd कोर्स के लिए 25,000 रुपये लगेंगे, इसे लेकर फीस तय की गई है। इससे पहले BEd कोर्स के लिए 18,000 रुपये फीस लगती थी,
जिसे कल से ही बढ़ा दिया गया है। अब 1800 रुपये की जगह छात्र छात्राओं को 25,000 रुपये बीएड में एडमिशन के लिए देने होंगे। बता दें कि पटना यूनिवर्सिटी में बीएड में 200 सीट है। सीनेट की कल हुई बैठक में फीस बढ़ाने की मंजूरी भी दी गई है। अगली बड़ी खबर, 12वीं पास से और नौकरी नहीं मिली तो बिहार में उठाए इस योजना का लाभ, हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये। जी हाँ, बिहार में 12वीं पास कई ऐसे बेरोजगार युवक हैं जिन्हें किसी कारणवश नौकरी नहीं मिली है। यदि आप भी 12वीं पास कर चुके हैं तो मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ उठा सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए बेरोजगारी भत्ता काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। इस योजना के तहत छात्रों को 2 साल तक के लिए हर महीने 1000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। अगर इस योजना का लाभ लेना है तो इसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस से अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आधिकारिक पोर्टल www.7nischayyuvamission.bihar.government.in पर जाना होगा, जहां से आप अपना आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि ऑनलाइन आवेदन करने के 60 दिनों के अंदर स्टूडेंट को संबंधित DRCC कार्यालय पहुंचकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य पूरा करना होगा। बड़ी खबर, आधार कार्ड को लेकर अलर्ट, बाजार में बने PVC कार्ड मान्य नहीं, वैलिड कार्ड के लिए UIDAI साइट पर ऑर्डर करें। जी हाँ, आधार कार्ड की सेवा देने वाले यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि बाजार से जो PVC कार्ड बना रहे हैं वे मान्य नहीं है। आपको UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका ऑर्डर देना होगा। इसके लिए आपको UIDAI की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस वेबसाइट पर आधार सेक्शन में जाकर ऑर्डर आधार PVC कार्ड पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपने आधार का 12 डिजिट का नंबर या 16 डिजिट का वर्चुअल आईडी या 28 डिजिट का आधार एनरोलमेंट आईडी डालना होगा। इसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड या कैप्चा भरना होगा। OTP के लिए सेंड OTP पर क्लिक करके आप अपना OTP डालकर इसे ऑर्डर कर सकते हैं। बड़ी खबर, बिहार के 56 निजी अस्पतालों में गरीब कोरोना मरीजों का मुफ्त में इलाज, टीकाकरण में फिर बना रिकॉर्ड। जी बिहार में कोरोना की तीसरी लहर अब थमती दिख रही है। इसी बीच राज्य में टीकाकरण का अभियान तेजी से गति पकड़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि बिहार टीकाकरण के शीर्ष 4 राज्यों में शामिल हो गया है। इस बीच सरकार ने कोरोना पीड़ितों के मुफ्त इलाज के लिए राज्य के 56 निजी अस्पतालों में भी व्यवस्था कर दी है। राज्य के 56 निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्डधारी कोरोना मरीजों का मुफ्त इलाज हो सकेगा। राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल में सभी कोरोना मरीजों का मुफ्त इलाज पहले से किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, बिहार में बाहरी राज्यों की महिला नहीं बन सकती है आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका, जाने क्यों रद्द होगा आवेदन। जी हां, दूसरे राज्य से ब्याह कर बिहार आई बहू अपने मायके में बनवाए गए जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका व सहायिका नहीं बन पाएगी। दूसरे राज्यों के जाति प्रमाण पत्र सेविका व सहायिका की नियुक्ति के आवेदन में संलग्न किए गए आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र देना ही है तो बिहार में बना होना चाहिए। राज्य के बाहर के अभ्यर्थी का उनके मूल राज्य से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर बिहार राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त करना वैध नहीं माना जा सकता है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि राज्य के बाहर के अभ्यर्थी यदि किसी आरक्षित श्रेणी में सूचीबद्ध हो और उनकी जाति बिहार राज्य में भी उसी आरक्षण श्रेणी में सूचीबद्ध है, तब भी बिहार राज्य में उन्हें आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। खबर, बिहार के इस जिले में सरस्वती पूजा के लिए रोड पर चंदा वसूलने वाले रंगदारी एक्ट में जाएंगे जेल, भोजपुर में शुरू हुआ अभियान। जी हां, सड़कों पर चंदा वसूलने वालों के खिलाफ कार्रवाई में ढिलाई थानेदारों पर भी भारी पड़ सकता है। शुक्रवार को जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा एवं SP विनय तिवारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सड़कों पर जबरन चंदा वसूलने वाले अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया है। साथ ही रंगदारी एक्ट के तहत FIR दर्ज कर जेल भेजने का फरमान भी जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, बिहार में 12 से 14 साल तक के बच्चे को टीके के बारे सूची बनाने की तैयारी शुरू। जी हां, कोरोना वायरस से नाबालिग बच्चों को बचाने की कवायद तेज हो गई है। वर्तमान में 15 से 18 साल से कम उम्र के बच्चों को लगातार वैक्सीन लगाई जा रही है। अब टीकाकरण अभियान से 12 से 14 साल तक के बच्चों को भी शामिल किया जाएगा। इन बच्चों को टीका लगाने का अभियान मार्च में शुरू हो सकता है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से इसको लेकर संकेत मिल गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस आयु वर्ग की सूची बनाने की तैयारी करने जा रहा है। इसके लिए जल्द ही आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और ANM को निर्देश जारी किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बिहार में अब एक ही नंबर से बुक होगी सरकारी और प्राइवेट एम्बुलेंस, किराया भी होगा फिक्स। जी हां, बिहार में चल रहे सभी सरकारी एवं निजी एम्बुलेंस को एक ही नंबर से जोड़ने की कोशिश तेज हो गई है। सभी सरकारी निजी एम्बुलेंस को एक ही नंबर 102 से होगा, जिसे डायल करने पर पीड़ित तक सहायता पहुंचेगी। सड़क हादसों में हताहत की संख्या कम करने व त्वरित मदद करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। परिवहन विभाग के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने इस दिशा में प्रक्रिया शुरू कर दी है। मार्च तक इस काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा एक ही आपातकालीन नंबर से जुड़ने के बाद सभी प्राइवेट एम्बुलेंस का राज्य स्तर पर डेटाबेस हर जिले में स्वास्थ्य विभाग के पास रहेगा। इनकी सरकारी निगरानी तो होगी ही, एम्बुलेंस का किराया भी तय किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में चल रहे सभी निजी एम्बुलेंस चालकों को अब प्रशिक्षित पारा मेडिकल स्टाफ अनिवार्य रूप से रखना होगा। अगली बड़ी खबर, बिहार में 50,000 तक जुर्माना देके छूट सकेंगे शराबी, मद निषेध कानून में होने जा रहा है अहम संशोधन। जी हां, राज्य में लागू पूर्ण शराबबंदी कानून 2016 में एक अहम संशोधन होने जा रहा है। इसके तहत अब शराब पीने वालों पर कार्रवाई के लिए अलग से प्रावधान किया जा रहा है। शराब पीने वालों से जुड़े मामलों पर कार्रवाई करने का अधिकार या ऐसे मामलों की सुनवाई का अधिकार कार्यपालक दंडाधिकारी को सौंप दी जाएगी। वे ऐसे मामलों की सुनवाई कर सकेंगे और शराब पीने के दोषी व्यक्ति पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना करने का अधिकार होगा। इतना अधिक जुर्माना लेकर संबंधित आरोपों को छोड़ा जा सकता है। हालांकि यह प्रावधान शराब की तस्करी, बिक्री, भंडारण, ट्रांसपोर्टेशन और शराब से जुड़े किसी तरह का धंधा करने वालों पर लागू नहीं होगा। आज के लिए आपका सवाल बताया कि रेलवे NTPC का रिवाइज रिजल्ट आना चाहिए या नहीं, इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं।